बच्चों को काहे कोस रहे हैं? कोस रहे हैं? इतना देर से ग्राउंड में इंतजार कर रहे हैं, काहे नहीं भेजो प्रैक्टिस करने के लिए? हम काहे रोकेंगे? क्या हुआ? बाबा भैया गिर गए थे, अब वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। बैठाओ इसे, हम अभी हल्दी लेकर आते हैं। शाबाश बेटा, तुमसे यही उम्मीद की जा सकती है। हम तुम दोनों का गेम पर मेहनत कर रहे हैं ताकि स्कूल का कबड्डी टीम में तुम लोग का सिलेक्शन हो जाए। और तुम कबड्डी तो तब खेलेंगे ना जब ढंग का खुराक मिलेगा। आओ बैठो। और वैसे भी आप कौन सा खिलाड़ी बन गए? हाँ, नहीं बन पाए खिलाड़ी, कहे कि हमारा बाप हमको प्रोत्साहन नहीं दिया। लेकिन तुम ऐसी माँ हो ना जो नहीं चाहती कि तुम्हारे बच्चों का नाम हो दुनिया में। सपने दिखाना बंद कीजिए, और इस खेल से वैसे भी किसी का पेट नहीं भरने वाला। कविता बेटा, तू सोई नहीं अभी तक? बाबा, आप भैया से अभी भी नाराज हैं? बाबा, भैया कबड्डी प्लेयर नहीं बनना चाहते, इसलिए वो प्रैक्टिस से भागते हैं। और तू कबड्डी प्लेयर बनेगी ना बेटा? तू अपने बाबा का सपना पूरा करेगी ना? हाँ बाबा, पर आप ये शराब पीना छोड़ दीजिए बाबा। हम अंदर से टूट रहे हैं बेटा, हम तुम लोग के लिए कुछ नहीं कर पाए ना, इसलिए शराब पी लेते हैं। पर प्रॉमिस, तू जिस दिन बड़ा कबड्डी प्लेयर बनेगी ना, हम शराब छोड़ देंगे। तूने चिंता मत कर, हम सब सही कर देंगे। लेट, तू ही पहुंचा है हमें इस हाल में, लेकिन तेरे इरादे हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ये रस्सी डल गई, इसकी ऐंठन खत्म नहीं हो रही। तो रुक, अभी बताता हूं तुझे मैं। दोबारा हमारी अम्मा को हाथ लगाए ना, नामट बना देंगे तुमको। देखूंगा तुम सबको, भाई भाई को तरसोगे तुम सब। तुम इंजेक्शन रेडी करो फटाफट। क्या बात कर रहा? क्या बात करेगा? आप मेरी बात तो सुनिए अंकल, एक मिनट सुनिए तो। आप, तेरे को शर्म नहीं आती? अपने लोगों में जाकर के लड़कियां क्यों नहीं फंसाता? हमारी बहू बेटी पर नजर डालता है। पापा प्लीज इकबाल को जाने दीजिए। बाबा प्लीज इकबाल को जाने दीजिए। जब अपना ही सिक्का खोटा हो ना, तो आदमी किसी और से क्या बात करेगा। तो कान खोल करके सुन अंजलि, जो तू चाहती है ना वो तो मैं कभी नहीं होने दूंगा। बाबा मैं इकबाल से बहुत प्यार करती हूँ, उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। अच्छा तो फिर ना, तो अपने बाबा के बिना रहना सीख ले। अरे रुकिए, छोड़ अंजू। छोड़िए, रुक जाइए। बोल रहा हूँ छोड़, आज मैं सारा किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। नहीं, नहीं, नहीं। जब मैं नहीं रहूंगा ना, उसके बाद इसका जो मन चाहे वो करे। नहीं बाबा, मत कीजिए, वो मत कीजिए। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। रुक जाइए।
आप जो कहोगे दर्पण भाई, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आप ही कुछ कीजिए, अब हमारी इज्जत आप ही के हाथ में है। फिकर मत कीजिए नंदन भाव, आपकी इज्जत हमारी इज्जत काम हो जाएगा। आखिर वो कौन सा नाग था जिसने अंजलि की दुनिया को डस लिया था? अंजलि को एक बाल से प्यार था और उसका ये प्यार का रिश्ता उसके माता पिता को मंजूर नहीं था। उन्होंने पूरी कोशिश की हुई थी अंजलि को एक बाल से दूर रखने की। अंजलि की मौत के पीछे उसके ही किसी अपने का हाथ था या वो किसी के खूनी खेल का निशाना बन गई थी? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.